यूके जो है वो रेडिकल इस्लामिस्ट से परेशान हो गया है। क्या बहसियत कौम, हम कभी तरक्की की राह से आशना नहीं होंगे? नहीं। गेट आउट कैंपेन है वो मुसलमानों के लिए चलाई जा रही है, क्यों? क्योंकि आप उल्लू के पट्टे। अल्लाह तौबा, मुसलमान खुद गलत है। और ब्रिटेन उधर उसके यहाँ बच्चों का यौन शोषण करने वाले पाकिस्तानी मूल के नागरिकों पर एक्शन में आ गया। और सुने, उसने उन पर नकेल कसने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बना दी। वाह भाई वाह। और यूके ने हाथ जोड़ लिया कि भाई अब नहीं, अब हमारी बस हो गई है। हाय हाय, वो क्या करता है रे तेरी तो। रेडिकलाइज इस्लाम से पूरी दुनिया त्राइमाम 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 कर चुकी है। उन्होंने कहा है बस हो गया, उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए है। okay. और बड़े बड़े मुल्क हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि हमें छुट्टी दे दो, बस हमें नहीं चाहिए। Secretary has instructed that if those here on visas choose to spew hate or protest or seek to intimidate people, क्या कहेंगे? आज एक तारीखी दिन है, एक फैसला आया है। मैं तो बस ये बोलना चाहूंगा, डॉक्टर फिजा खलीफा, लानत है आप लोगों पे, लानत है। कुछ ग्रुप ऑफ कंट्रीज या कुछ कंट्रीज के लोगों को यूके में बैन करने जा रहे हैं, ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इनका जो वीजा है वो भी बैन कर दिया जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्योंकि ये जो इस्लामिस्ट हैं, इन्होंने हमारे जो मुल्क है उसका माहौल खराब करके रखा हुआ। अच्छा बात नहीं है। और यूं ही भटकते भटकते सहराए सेना की खाक हम छाने गुजर जाएंगे। और नहीं तो क्या, इमरान खान आया था, इसने सबसे पहले ये अमेरिका वगैरह से ये इन सबसे लोन लिया, ठीक है, हमारा मुल्क इन्होंने काना कर दिया हुआ है। मशहूर इंडियन मीडिया कि इंडियन मीडिया बीजेपी का नरेंद्र मोदी का गोदी मीडिया। फिजा खलीफा, लेटेस्ट कौन लगाएगा? लेटेस्ट इंडियन मीडिया, लेटेस्ट हलवा पकाओ, पूरा नाम लिया करो, नहीं तो किट्टू राव साहिबा की बाल्टी यही रखी हुई है, पता ना किस काम की है। तो जश्न मनाया जाए। मैं कुछ नहीं बोल रहा भैया, आप मेरे पर स्त्री प्रताड़ना का आरोप बिल्कुल मत लगाना, ये सब काम करने के लिए हमने किट्टू राव साहिबा को रखा हुआ है, समझ रहे हो? है ना अजीब सा असूल। जिसकी रीजन ये बताई जा रही है हेट स्पीच, हेट प्रीचर्स या फिर एक्सट्रीमिज्म, और उसमें पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अमेरिका में हिंदू ज्यादा है, कनाडा में है, बर्तानिया में ज्यादा है, लेकिन सर आज तक उनके खिलाफ कोई कैंपेन नहीं हुई। हमारे खिलाफ इस वजह से होती है, हम बाहर जाकर भी अपने हरकतों से बाज नहीं आते। इनके अंदर जहर भरा हुआ है, ये आएंगे ये जहर यूके में डालेंगे। ये कौम ही बिकी हुई है भाई, सही बात है। ये हम सिर्फ एक वो कहते ना इमरान खान कि हम किसी के गुलाम नहीं है, इसने कंजर ने हमें गुलाम कर दिया। तो पाकिस्तानियों को एक बार फिर से जलील होना पड़ रहा है, इस बार इनको जलील किया है यूके ने, यूनाइटेड किंगडम। जैसा कि आपको पता है, कभी सऊदी अरब से जलील होते हैं, कभी जापान से जलील होते हैं, कभी यूएई से जलील होते हैं, कभी ग्रीस से जलील होते हैं। अब क्या यूके वालों ने बोला, भाई माफ करो पाकिस्तानियों, निकलो यहां से। और ये पाकिस्तानी कौम तो वैसे वाहियात और गलीच कौम है, ये इंग्लैंड के अंदर जाके वहां की छोटी छोटी बच्चियों को ग्रूमिंग गैंग के जरिए फंसाते हैं और उनके साथ में फिर आपको पता है क्या ही करते हैं ये लोग। तो इसी टॉपिक पे पाकिस्तानी क्या बोलते हैं, चलते हैं पाकिस्तान। चलो भाई, गेट आउट कैंपेन है वो मुसलमानों के लिए चलाई जा रही है, क्यों? मुसलमान खुद गलत है भाई, मुसलमान खुद गलत है, खुद गलत है, क्यों? क्योंकि वो इनकी माने ही ना, क्यों इनकी क्यों मानते हैं? अच्छा, अपना खुद मुल्क चलाए। अच्छा, ये नहीं चला सकते। हाँ। सारी दुनिया चला रही है अपना अपना मुल्क, ये भी अपना मुल्क चलाए, ये उनके पास क्यों जाते हैं? ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर आपको इस्लाम इतने पसंद है तो आप अंग्रेजों के मुल्कों में क्यों जाते हो? ये हम जाना ही नहीं चाहिए। वाह वाह वाह, ये की ना गैरतमंदों जैसी बात। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, अगर इसको ये पता चल जाए ना कि इसको यूके का वीजा मिल गया, तो नंगे पैर भागेगा भाई यहाँ से, नंगे पैर सीधा एयरपोर्ट के लिए। हम खुद है गद्दार है, ऐसे मना करो। ये जो हमारे जो यूथ है, आप जैसे जो लड़के हैं बाहर जाते हैं, इमेज बहुत खराब बनाते हैं, जिसकी वजह से अंग्रेज कहता है निकलो। हम बाहर जाते हैं गुलामी करने के लिए, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर देखें ना, यहाँ पर लोग कहते हैं कि वहाँ पर ना जाएं, वहाँ पर जाना हमारा एक मजबूरी बन चुकी है। अगर यहाँ पर देखें, एक आदमी 16 या 17 पड़ा हुआ है इधर, ये पार्किंग ऊपर ना 800-700 रुपए दड़ी लगाकर घर जाता है। अफसोस की बात है सर। देखे आप देखे, दुनिया में हिंदू देखे बहुत ज्यादा है, अमेरिका में हिंदू ज्यादा है, कनाडा में है, बर्तानिया में ज्यादा है, लेकिन सर आज तक उनके खिलाफ कोई कैंपेन नहीं हुई। हमारे खिलाफ इस वजह से होती है, हम बाहर जाकर भी अपने हरकतों से बाज नहीं आते। ये आपने बड़ी पॉइंट की बात की है, वहाँ पर भी जाकर कहते हैं कि बस मैं थी मैं शेर वहाँ, लेकिन वहाँ पर नहीं चलता इस चीज को। बड़ा जो कि जिस तरह का माहौल उसमें अंदर रहना पड़ता है,
लेकिन हम लोग नहीं रहते। सर आज तक हमने इंडियन के खिलाफ कोई कंपेन, इंडियंस के खिलाफ कोई कंपेन नहीं सुनी। इंडियंस को वीजाज भी मिलते हैं, उन्हें अच्छी जॉब्स भी मिलती है। आप जितने भी आप बाहर जाते हैं आउट ऑफ कंट्रियों में, ज्यादा जो उनके मैनेजर हैं, जो स्टाफ है, इंडिया के हैं, पाकिस्तानी नहीं है। पाकिस्तानी अगर वो बात कर रहा हो ना, इससे वो काम कर रहा हो तो बदतमीजी शुरू कर देता है कि बदतमीजी शुरू कर देता है, बस इसकी वजह से वो पीछे रह गए और कोई मसला नहीं है। कभी ये बात ठंडे दिमाग से सोचना कि बदतमीजी हमेशा मुसलमान ही क्यों करते हो, और खास तौर से पाकिस्तानी मुसलमान। जिस दिन इस बात की गहराई में जाओगे ना, उस दिन तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम आखिर में हो क्या। चलते फिरते भेड़ियों भेड़िए राक्षस जानवर हो जो हर किसी को मारना काटना चाहता है, हर जगह उपद्रव फैलाना चाहता है, हर जगह अपनी गंदी सोच को इम्प्लीमेंट करना चाहता है। सर इंडिया की बात करें, जैसे अभी बरतानिया के जो वजीर आजम है इस वक्त, आप देखें कि वो भी हिंदू हैं, ठीक है, और हिंदू कल्चर को वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, और वो कहते हैं कि ये एक पीस वाला रिलीजन है, इसकी एक बड़ी ओल्ड सिविलाइजेशन है, दुनिया को हिंदुओं से डर नहीं लगता, दुनिया को अब मुसलमानों से डर लगता है। सही बात है, डर तो वैसे ही शुरू से ही हर इंसान को, मतलब कि ये जो है ना, जितने भी ये गैर मुल्की उनको पाकिस्तान से डर लगता है, जरूर है। पाकिस्तान से क्यों डर लगता है? बस हम दिलेर कौम है, इस वजह से डर लगता है उनको। अरे ठीक है, जाहिल, ऐसी दिलेरी की कोई दो मिसालें बता दो। मसाले ये के छोटी सी बात आप बताओ, हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का, हमारी कौम इतनी बुजदिल कौम है, एक फलस्तीनियों की मदद के लिए नहीं जा सकते, ठीक है, ये दलेर कौम नहीं, हम हाजिर हैं अल्लाह की मेहरबानी से, साथ चलते हैं, जब जाने हाजिर हैं। कसम खुदा की हमें एक मौका दिया जाए, ईंट से ईंट ना बजाए, इस मुसलमानी पे लानत है हमारी। बोस देखे मेरी बात सुने, कौम दलेर नहीं होती है, जिगरा लोच भाई आप बात नहीं, नहीं हुकूमत कुछ किसे टकेगी नहीं है, बल्ला आज मेरी बात सुनो, इमरान खान आज नून लीग आज हमें खाने को किसी ने नहीं देना, अपनी मेहनत खुद कमाते हैं, यहाँ खड़े हो गए लोच भाई, यहाँ खड़े हो गए, आप 40,000 रुपया रेंट देते हो, इमरान खान तो नहीं देता, नवाशी तो नहीं देता, किसी दिन नहीं मैम छोड़े। अरे भाई उसकी रिकॉर्डिंग खराब हो रही है, उसका शॉट खराब हो रहा है, कैमरे की तरफ देख के लड़ो, कैमरे की तरफ देख के, किसी दिन नहीं मैम छोड़े, ताकि हम भी एंजॉय करें। किसी दिन बिस्मिल्लाह करते हो कि नहीं करते, मुझे बताओ, ठीक है, रिज़क अल्लाह की ज़ात देती है भाईजान, इनके मगर नहीं लगना, हमने तो अपना रिज़क कमाना है, हम अल्हम्दुलिल्लाह फलस्तीन के साथ हैं, हमें मौका दिया जाए, ये सारे बुज़दिला खुसरे हैं, ये मैं गज बज के कहता हूँ। तुमको किसने रोका है मदरसे से आप जाए लो, तो जाओ ना, करो वहाँ जाके जिहाद, लेकिन तुम लोग नहीं जाते हो, ना जाओगे, क्योंकि तुमको अच्छी तरीके से पता है कि अगर तुम वहाँ पहुंचे तो इजराइल तुम्हारी हड्डियों का सूरमा बना देगा, सूरमा जैसे हमास के आतंकियों को बना रहा है। फट्टू हो तुम, फट्टू, इसके लिए तुम लोग जाते नहीं हो, सिर्फ जुबानी जमा खर्च करते हो। एक भी पाकिस्तानी पहुंचा अभी तक, एक भी पाकिस्तानी, 25 करोड़ पाकिस्तानी हो तुम, सिर्फ जुबान से बोलते रहते हैं हमें इजाजत दे हम जाएं। अबे किसकी इजाजत चाहिए तुमको, सऊदी, यूके, कनाडा, विदेश में तुम्हें कहीं भी जाना होता है, कभी इजाजत की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिलिस्तीन जाने के लिए तुमको इजाजत की जरूरत है। फिलिस्तीन के लिए तो तुम्हारा बहन नहीं है पासपोर्ट भी, वो तो इजराइल के लिए बहन है। जाओ ना, करो निकम्मो निटल्लो। बरतानिया में इस्लाम के खिलाफ जो है कंपेनें चलाई जा रही हो, कह रहे जो एक्सट्रीमिस्ट है या जो फार राइट्स है, इनकी अब कोई जगह नहीं है यूरोप में, इनकी कोई जगह नहीं है अंग्रेज के मुल्कों में, और वो बहुत ज्यादा परेशान आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये हमें, ये हमारी सिविलाइजेशन को खतरा, ये तो हमारे कल्चर को बर्बाद कर रहे हैं। मैम देखे मेरी बात सुने, नंबर वन पे मैं तो ये बात कहूंगा, इमरान खान आया था, इसने सबसे पहले ये अमेरिका वगैरह से ये इन सबसे लोन लिया, ठीक है, हमारा मुल्क इन्होंने काना कर दिया हुआ है, किसी का काना नहीं, तो यकीन करें, इधर देखें, मैं फलस्तीन के खिलाफ वीडियो वगैरह देखता हूँ, कसम खुदा की आंखों से अथरू आते हैं। इस बात पे अपने छोटे छोटे बच्चों का क्या कसूर है यार, ऐसे मुसलमानों को क्या करना है, मुसलमानों का एक एक होना चाहिए, ये ईंट से ईंट बजा दे इनकी, ये मुसलमानी नहीं है, ये बुजदली है, कौम बुजदल है ये, हम लोग कहते हैं हम ऐसे नहीं, अगर ये कुछ नहीं कर सकते, हमारे बाबा जान खादम हुसैन रिजवी साहब के साथ जाते, उनको ऑफर दी जाए, अल्लाह की मेहरबानी से अगर ईंट से ईंट ना बजेगी तो इंशाल्लाह यहीं पर मैं अपनी टिंड करवाऊंगा, ये मेरा वादा है। नाम मेरा अब्दुल रहमान है, जज़ाकअल्लाह। टिंड कराने का मतलब होता है खोपड़ी गंजी करवा लेना, मुंडन करवा लेना, सपा चट्ट हो जाना, गंजा हो जाना। और रही बात इसके टिंड करने की, तो मेरे भाई ऐसे तो तुम्हारा पूरा पाकिस्तान को टिंड करानी पड़ेगी, तुम में से एक भी फिलिस्तीन जाने से रहा। ये कौम ही बिकी हुई है भाई, ये हम सिर्फ एक, वो कहते ना इमरान खान कि हम किसी के गुलाम नहीं है, इसने कंजर ने हमें गुलाम कर दिया हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम वैसे भी आशिके रसूल हैं, हमें जहां से आवाज बजेगी हम अल्हम्दुलिल्लाह हाजिर हैं, पर ये कौम कुछ नहीं कर सकती फलस्तीन के लिए।
तो पूरा वीडियो आपने देख लिया। वीडियो देखने के बाद में आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन आपका ही है। आप भी इन पाकिस्तानियों को जाते हुए खड़काते हुए जरूर जाइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका वह आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।